तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एड्यू भाई विथ माय न्यू वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसमें आपको मैं एक बुक मैंने ऑर्डर की है वो उसके बारे में आपको दिखाऊंगा, कुछ फीचर्स उसके बारे में बताऊंगा, उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी बुक के पास, लेट्स गो। तो चालू करते हैं हम इस बुक की अनबॉक्सिंग। देखिए, ये इस बुक का भी मैंने आपको नाम नहीं बताया, इस बुक का नाम है NCERT इन योर फिंगर टिप्स। इसे मैंने Amazon प्राइम से मंगाया था, Amazon.in से मंगाया था, प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया था, वो दूसरी बात है। तो चलिए देखते हैं, ये बुक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब ये चैनल ये वीडियो बन जाए, वीडियो आप देख लेंगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, ये जो बुक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, बायोलॉजी की बुक है, ऐसी वैसी बुक नहीं है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसको निकाल के। तो ये देखिए, ये रही बुक, यही है वो बुक जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। ये बुक ऐसी वैसी बुक नहीं है, MTG पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें बहुत सारे MCQ क्वेश्चन है जो कि नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, नीट एस्पिरेंट्स इसी को खरीदते हैं। ये आपकी 11th की NCERT की बायो है, ये आपकी 12th की NCERT की बायो, दोनों इस बुक में कवर कर रहा है। 11th प्लस 12 आप देख ही रहे होंगे, इसमें आपका देख सकते हैं NCERT के नोट्स हैं, कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें मेन इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा, ये इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज NCERT बेस्ड MCQ होते हैं, और इसमें 6 प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है, 90 क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा नीट में पूछे जाते हैं। और ये MTG पब्लिकेशन की और भी बहुत सारी बुक हैं। अब देखिए, इस बुक का देखिए प्राइस है 900, और इसमें बहुत ही एक बहुत अच्छी चीज़ देख लीजिए, नीट 2015 में इस बुक से 70% से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 60%, फिर 60%, फिर 2018 में 80% पूछे गए, और 19 में भी 80%, अब क्या मालूम 20 में 90% हो जाए। ये बुक बहुत ही कह सकते हैं थिक है, बहुत ही थिक है, क्योंकि अब दो ईयर का कवर कर रहा है, 11th 12th का कवर कर रहा है, तो मस्ट भी ठीक तो होनी चाहिए। तो ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको हम दिखाते हैं इस बुक का, इस बुक को खोल के आपको दिखाते हैं। चलिए, तो ये हमारी बुक ओपन होने वाली है, तो दिल थाम के बैठे रहिएगा। तो इस बुक में आप देख सकते हैं, ये है आपकी पहला फ्रंट पेज, इस बुक का फ्रंट पेज है, और जो ज़्यादा स्पेशल आपको नहीं समझ में आएगा, और प्रीफेस वगैरह ये वो और ये सब, ये हैं आपके रिव्यूज़ हैं जो टॉपर्स जनरली, बहुत सारे टॉपर्स इसको पढ़ते थे, जो नीट एस्पिरेंट्स होते थे उन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं इस बुक के बारे में, आप देख सकते हैं ये वो ये है ना जो भी है। आप जैसे देखिए, पिछले साल के टॉपर थे नलिन खंडेलवाल, फर्स्ट रैंक थी, भाविक बंसल एम्स में फर्स्ट रैंक थी, उन्होंने भी इस बुक को प्रेफर किया रहा होगा, तभी उन्होंने रिव्यूज़ दिए थे। और जिपमर में भी फर्स्ट रैंक जिसकी आई थी उसने भी इसको रिव्यू दिए हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिपमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तो वो तो अलग बात है कि अब सब कंबाइन हो गया इस साल से, तो अब देखिए इस बुक को अगर आप पढ़ सकते हैं तो पूरा आप नीट आपका बायो में बहुत ही अच्छा हो सकता है, अगर आप पढ़ेंगे तो की बात बता रहा हूँ, ये तो पढ़ने वाले तो बहुत पढ़ते हैं। अब देखिए कंटेंट्स इसमें क्या है, ये पूरे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें आपका मेन ये है कि इसमें NCERT नोट्स हैं, NCERT नोट्स वगैरह हैं, ये सब हैं चैप्टर के बारे में। अब देखिए इस बुक में कुछ ज़्यादा आप देख लीजिएगा, आप जब भी लीजिएगा, ये पूरा 11th का इंडेक्स था यहाँ पे, अब ये पूरा 12th का कंटेंट है बायोलॉजी का, ये पूरा ये आपका ब्रीफली जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, ये पूरे नोट्स हैं, नोट्स अच्छे से बनाए गए हैं। अब इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज MCQ में क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, और इसमें बहुत ही जैसे टैक्सोनॉमिकल एड एक टॉपिक है, एक टॉपिक आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, बहुत सारी आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी, जैसे टॉपिक जो टॉपिक है उस हिसाब से बहुत अच्छी बुक है ये, और बहुत सारे एग्ज़ाम ये तो ठीक है ये MCQ 20 रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो अब फिर उसके बाद एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, जो बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते थे नीट वगैरह में भी आते हैं, ये मोस्टली लोग गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में, एजर्शन दे देता है, रीजन दे देता है, फिर बोलता है कि किस तरीके, वो तो आप देखते हैं जानते ही होंगे, अब तो CBSE में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखिए आपका ये
यही था ये बुक के बारे में। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप भी ले सकते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो लेट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय बाय।